आज इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे वेबसाइट के बारे में जानते हैं जिस जहां पर हम लोग को इंटरनेट की दुनिया में जितना भी फ्री एपीआई है, चाहे जो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को हेल्पफुल हो सकता है, वहां पर हम लोग को एपीआई मिल सकता है जो हम लोग प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर हम लोग अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पहला नंबर पता है गिटहब का एक पेज है, पब्लिक एपीआईज नाम का एक रिपोजिटरी है, उसके अंदर डाला गया है। इसके अंदर क्या है ना कि जितने भी एपीआईज हैं पब्लिक एपीआई, उस सबको एक जगह इकट्ठे डाला हुआ है। मतलब कि एनिमल्स रिलेटेड, एनिमी से रिलेटेड, एंटी मैलवेयर, मतलब बहुत सारा है। तो कुछ दिन पहले हम एक वीडियो डाले थे जिसमें हम लोग एक अपना आईपी एड्रेस फाइंड कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में। तो वो हम लोग जो फाइंड कर रहे थे ना, वो एपीआई हम लोग को यहीं से मिला था। जो हम लोग नहीं तो फिर जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, डिक्शनरी बनाया था, डिक्शनरी बनाया था जहाँ उसमें जो एपीआई यूज किया था। देखिए डिक्शनरी जो है ना, डिक्शनरी जाते हैं, डिक्शनरीज में एक एपीआई की था, हम लोग यहीं से यूज किए थे। एक मिनट देखते हैं कहाँ पर है फिर डिक्शनरी। देखते हैं इसमें कहाँ पर, देखिए यही वाला, देखिए हम लोग इसी एपीआई को यूज किए थे जब हम वीडियो बना रहे थे। तो जो एपीआई हम लोग जो खोज कर लाए थे इंटरनेट की दुनिया में से, वो यहीं से लाए थे। यही एपीआई को यूज करके हम एक वीडियो बनाए थे पीछे, जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में, हाउ टू मेक अ डिक्शनरी इन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट में, इसी एपीआई को यूज किए थे। तो ऐसा बहुत सारे वेबसाइट एपीआई है इसमें जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे जेसन प्लेस होल्डर, आप जानते होंगे ये क्या काम करता है कि फेक डेटा लाता है जो हम लोग प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। देखिए आईपी फाइंडर एक आईपी फाइंडर है जो हम लोग का आईपी बताता है। अब देखिए ये तो पहला साइट है, मतलब इसमें बहुत सारे एपीआई हैं, आप इसमें कहीं यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं। किसी में ऑथेंटिकेशन है, किसी में एपीआई की का जरूरत पड़ता है, कोई फ्री है, इसमें बहुत सारे हैं। सपोज करते हैं, मान लीजिए देखिए इसमें बहुत सारा है, मान लीजिए आपका जैसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, मतलब आप जिस टाइप का प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक बार इस पेज पर आइए, उस जो आप बनाना चाहते हैं देखिए उस पेज से, मतलब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी एपीआई है कि नहीं है। अगर है तो एपीआई को यूज कर लीजिए, अगर कुछ पैसा देना ही पड़ गया, ऐसे बहुत सारे एपीआई इसमें फ्री है, सपोज करते हैं $1 $2 देना ही पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट बन गया ना, सीख गया आराम से। इसमें बहुत सारे फ्री है, रेयर कोई भी पैसा लेता है, नहीं तो पैसा लेता नहीं है। गूगल का डॉक्स है, बहुत सारा चीज़ है इसमें, मतलब देखिए। अब इसमें अब देखिए आने वाले वीडियो में हम क्या बनाना, आने वाले वीडियो में इस सारे एपीआई को मैं यूज करूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में जितना स्पेस पे एपीआई दिख रहा है, जितना एपीआई दिख रहा है, उस सब पे, मतलब सब पे नहीं तो 90% पे मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह यूज हो रहा है उसको बनाऊंगा और उस प्रोजेक्ट को डालूंगा चैनल पे, समझाकर सब चीज, और उस सब चीज का जो सोर्स कोड है वो गिटहब पे डालूंगा अपने गिटहब अकाउंट पे। तो ये तो पहला वेबसाइट था गिटहब का, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप जाकर इस पेज पर विजिट कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पर एक एपीआई हब, रैपिड एपीआई, ये भी क्या काम करता है, एपीआई देता है। मोस्ट ऑफ द केस बहुत सारी चीज़ फ्री रहता है, या फिर 100 credit देता है, 100 बार रिक्वेस्ट मार सकते हैं, उतना तक फ्री देता है। अब सपोज करते हैं, मान लीजिए हमको वेदर के बारे में जानना है, वेदर को गए, अब देखिए वेदर पर गए और बहुत सारे इसमें आ रहा है, किसको यूज करना चाहते हैं, मतलब सपोज करते हैं कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन वेदर मैप खोलते हैं। अब देखिए इस पे आ गए, इस पे आने के बाद एक मिनट खुल रहा है, अब देखिए यहाँ पर आया। इस पे आने के बाद देखिए यहाँ पर नोट जेएस में बताया, मतलब कि बहुत सारे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस सब में बताया किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। कोड दिया गया है, कॉपी पेस्ट मारना है। अब सपोज करते हैं हम बहुत सारे वीडियो आजकल जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में गए, फेच का यूज करते हैं, फेच दबाए, तो फेच का देखिए यहाँ पर एक कोड आ गया, इसी कोड को हम लोग को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट को यूज करके जो रिस्पॉन्स आ रहा है जेसन डाटा, उसको कहाँ यूज करना है, कैसे रेंडर करना है, सब चीज आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसको चलाने के लिए यहाँ सब्सक्राइब टू टेस्ट पर दबाना पड़ता है, पहले सब्सक्राइब किए। अब देखिए यहाँ पर देखिए बेसिक है, फ्री है, मतलब बेसिक को सेलेक्ट करना है, 500 पर मंथ हार्ड लिमिट, मतलब 500 बार एपीआई को हिट कर सकते हैं। यहाँ से सब्सक्राइब दबाना है, सब्सक्राइब दबाने के बाद तो ही आप इसको यूज कर सकते हैं जो एपीआई है। देखिए इसको क्लिक किया ना सब्सक्राइब,
बताते हैं हुआ क्या। जैसे सब्सक्राइब क्लिक किए हैं तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर की जनरेट कर दिया ये। इसी क्यू को हम लोग को यूज करना है और अपने प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना है बस। तो देखिए दो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक एक गिटहब का है, इसे पूरा एपीआई है, पूरा का पूरा एपीआई इस पर है। आपको जो यूज करना है यूज करिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए इसको कैसे यूज करना है वहाँ से। और दूसरा है रैपिड एपीआई, यहाँ से भी फ्री में बहुत चीज़ मिलता है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में इसमें क्या बनाएंगे हम, आने वाले वीडियो में इस चैनल पे इस सब एपीआई पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे हम, किस तरह हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में, और अलग से नोड जेएस में भी बनाएंगे अलग से। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट जाए आप उसको देखिए समझिए और अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करिए। और जो सोर्स कोड है वो गिटहब पर है, या तो कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में लगा लीजिए या तो खुद से बना लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।